गुरुवार की मध्यरात्रि को पुलिस और मणिपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच झड़प हो गई। मामले के सिलसिले में पुलिस ने 50 से अधिक छात्रों और 4 फैकल्टी मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस की ओर से छोड़े गए आंसू गैस के गोलों की वजह से कई छात्र घायल हो गए। ऐसे में जब विश्वविद्यालय के कुलपति आदित्य प्रसाद पांडे के खिलाफ जांच जारी है, उनके द्वारा चयनित प्रो वीसी की नियुक्ति को लेकर छात्र और शिक्षक विरोध पर उतर आए। बता दें कि कुलपति एपी पांडे को उनके खिलाफ जांच प्रक्रिया खत्म न होने तक छुट्टी दी गई है। In that room, we were all surrounded by many students, and there's some teachers. Those teachers again grill us. They saw their angers, and the students also just grill us like anything. I attempted to go outside, but we were not allowed. The room was locked. Harassment, inconveniences were there. The police department has taken certain steps to curb the rumors spreading in the social media in order to maintain law and order. One of the steps we have taken is to curb the internet service in the state. Initially, we have curbed it for 5 days. कल रात 12 बजे में इतना बड़ा एक यहाँ पर जो पुलिस लोगों ने इतना छात्रों को यहाँ से पकड़ के लेके गया था, वही सिलसिले से लेके आज सुबह आपको देखा होगा अभी तक इस गेट पे इतना भरी मात्रा में मणिपुर का पुलिस पर्सनल यहाँ पर खड़ा रहा है। उसमें इसमें भी ये देखा जाएगा कि मणिपुर विश्वविद्यालय में अलग अलग सब 22 चांसलर आने से ये माहौल बन चुका है। अभी ये देखना होगा कि मणिपुर विश्वविद्यालय में इतना शांतिपूर्ण कब लौटेंगे। मिजोरम में पिछले 9 महीनों में एचआईवी के 1772 नए मामले सामने आए हैं। 11 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में से एक है मिजोरम, जहां संक्रमित मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। डाटा के मुताबिक यहां एचआईवी फैलने की मुख्य वजह यौन संबंध है। राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बावजूद एचआईवी के मामले में मिजोरम अभी भी देश में शीर्ष पर है। इसके बाद मणिपुर और नागालैंड का नाम आता है। MSACS के अनुसार राज्य में मौजूदा एचआईवी के 18,007 मरीज हैं। इनमें से 42% मरीज 25 से 34 साल की उम्र के हैं, जबकि 26% 35 से 49 साल की उम्र से हैं। While ago that this order had come out, but then people are still learning to accept it. They're still learning. It's still a process. So we hope that once they understand, they will be selling these syringes to our IDUs, because they are willing to buy. Our clients are willing to buy from the pharmacies, because sometimes it is impossible for them to come to our drop-in centers. खातवाल में आज उस समय हो हल्ला मच गया जब विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने विद्युत विभाग के कर्मचारी फखरुल इस्लाम के घर पर हमला कर दिया। दरअसल फखरुल इस्लाम से लोगों ने बिजली का कनेक्शन काटने की अपील की थी। लोगों का आरोप है कि उसके बावजूद फखरुल ने कनेक्शन नहीं काटा, जिस वजह से यह दर्दनाक हादसा हो गया। उत्तेजित लोगों ने फखरुल इस्लाम के घर पर जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही उसके वाहन को भी तोड़ दिया। जिला उपायुक्त विश्वजीत पेगू ने खातवाल की घटना की न्यायिक जांच की घोषणा की है। इस बीच मंत्री केशव महंत ने मौके पर पहुंचकर घटना की सुध ली और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मृतक के परिवार को मदद करने की भी घोषणा की है। प्रत्येक मृतक के परिवार को 2.5 लाख रुपयों की सहायता राशि दी जाएगी। पैसे तो जा मास्किटो यही लाने का दिसु फिर थेटे पुगुत नमा नामी से और 5 मिनट बाद मास धोई दे फिर होटल के लांजी दे थाया हार्ट तो समझे साढ़े 7 मिनट लाइनमैन और गाफिलिटी थोसे इतु गोई पेला घर कोई ऐसे जे अमर एने को अवस्था होसे गोती करंट काटी दियो कोसे अमर लाइन काटी दिसे
পিছত আকো অটোমেটিক এটো সাপ নকরাকে আকো লাইন দি দিছে আমাৰ লোকৰ এটো যদি জটা মানুহ হয় যদি লাইনমেনৰ ওপৰত যদি এটো প্ৰতিবাদ নলয় তেতিয়া আমি ৰাইজৰ ওপৰত আমি লাইনমেনৰ ওপৰত আমি যাই আকো মানে হেৰি কৰিম হেৰাছমেণ্ট যেনেকৈ দিব লাগিব আমাৰ লাইনমেনৰ ওপৰত দিব লাগিব লাইনমেনক যা কৈছোঁ তাতো চিৰি গৈছে আপুনি চাই যাওক সি চাহ নাই না চাই কৈ আকৌ লাইন দি দিছে পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা যিটো নিয়মমতে পায় সেইখিনি আমি দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव के लिए और अधिक सुरक्षा की मांग करते हुए त्रिपुरा भाजपा केंद्र गृह मंत्रालय को पत्र लिखने जा रहा है। प्रदेश भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री देव को ड्रग्स तस्करों से खतरा है, क्योंकि जब से वे सत्ता में आए हैं उन्होंने तस्करों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। शुक्रवार को बीजेपी के विधायक रतन चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र के संज्ञान में यह बात है कि बिप्लब देव की जान को खतरा है और उन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि म्यांमार में ड्रग्स गिरोह बिप्लब देव को मारने की साजिश रच रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पार्टी सतर्क हो गई है। All the kingpins, drug mafias, they assembled in Myanmar. So, not only that, we have come to know that the Home Ministry is also alert. They have also got the information and they started their exercise. In the meantime, our party leaders also, they are preparing a memorandum to the Prime Minister, Home Minister and other ministries as well as the State Home Department also to take all possible safeguards to save the life of the Chief Minister. मुख्यमंत्री बनने के बाद बिप्लब देव त्रिपुरा में ड्रग्स और नशा कारोबारियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है इसके कारण से उनकी जान को खतरा है ये दावा है बीजेपी स्टेट लीडर्सों का। इसके कारण जो बीजेपी के स्टेट लीडर्स है वो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए जेड और जेटा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। कैमरा पर्सन काजल केरी के साथ में तन्मय चक्रवर्ती अगरतला से न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए।